नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रॉबिन और आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी पावर कार को स्टार्ट करने से पहले हमें जनरेटर केबिन में क्या-क्या मेंटेनेंस देखना होता है। आइए मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम इधर पे आते हैं और देखते हैं कि ये हमारा रेडिएटर है। ये 30 HP का हमारा रेडिएटर है और हमको सबसे पहले ये देखना होता है कि इसके जो विंग्स हैं वो प्रॉपर रोटेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इनमें कोई डस्ट तो नहीं है। और इधर पे हमारा, अंदर आइए, ये हमारा फिल्टर रहता है। ये अगर इसमें डस्ट रहता है तो हमको इसको क्लीन करना होता है और विंग्स को प्रॉपर तरीके से क्लीन करना होता है। लुब्रिकेंट ऑयल लेवल चेक करेंगे, अगर वो नहीं है तो भी चेक में हम उनको यहाँ से फिल करेंगे उसको। अगर कूल, हम इधर आते हैं और गेज स्टिक से हम ये चेक करके इंश्योर होते हैं कि हमारा लुब्रिकेंट प्रॉपर है या नहीं है, और इसकी थिक और थिन को भी हमें समझना होता है। आगे आएंगे हम और इधर पे हम आप पाएंगे कि इधर पे ये कूलेंट रहता है, रेडिएटर कूलेंट। इधर से दिखाइए, ये इंडिकेशन में बताता है कि ये कितना है। अगर ये फुल है तो ठीक है, अगर फुल नहीं है तो हमें इसको देखना रहता है। और जरा ऊपर चढ़ी, ऊपर इधर से हमें इसको फिल करना रहता है। हाँ, रनिंग रनिंग ट्रेंड में हम इसको फिल नहीं करेंगे। जब हमारा जनरेटर का रुक जाएगा, प्रॉपर तरीके से कूल हो जाएगा, उसके बाद हम इसको फिल करेंगे। ऑफर है उसके बारे में पता कर सकते हैं। और बी चेक में हम फिजिकली ऐसा करते हैं, जैसे कि ऑयल फिल करना, कूलेंट फिल करना, नीचे से फ्यूल टैंक। ये स्टार्टर है, ये भी 24 वोल्ट लेता है। अगर हमारा कभी अगर डीजी स्टार्ट नहीं होता है तो इसको भी चेक करना रहता है कि ये प्रॉपर 24 वोल्ट हमारा ले रहा है या नहीं ले रहा है। हाँ, कहीं पे लूब्रिकेंट या फ्यूल लीक तो नहीं कर रहा, उसके लिए हमें सभी इधर पे जितने भी लीकेज यानी कि जो जॉइंट्स हैं उनको प्रॉपर देखना रहता है कि हम टच करके अच्छी तरह से चेक कर सकते हैं। काफी इधर पे जॉइंट रहते हैं। ये हमारा डीजल फिल्टर है। इस जो हमारा नीचे टैंक रहता है डीजल का, अगर वो फिल नहीं है तो उसको हम फिल करते हैं। और अगर कुछ डस्ट आती है, जैसे कि डीजल नहीं है तो ये हमारा इंजन है प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगा, रुक रुक के चलेगा, तो हम समझ सकते हैं कि हमारे ये फिल्टर है ना, तो इसमें कुछ ना कुछ दिक्कत है या ये फिल्टर नहीं हो रहा है। तो इस सिचुएशन में हमको इधर पे डीजल फिल्टर भी चेक करने रहते हैं। ये हमारा पंप है, डीजल पंप है ये वाला, इसको पंप करता है, ये HD हो गया। और कभी जब डीजल खत्म हो जाता है तो हमारे जो इंजन है वो कोई एयर ले जाता है, तो हम इसको रिमूव करके या फिर इसको थोड़ा टेकन आउट करके इसकी हम एयर को भी थोड़ा निकाल सकते हैं। ये फ्यूजेस हैं, इनको भी कभी कभी चेक करना रहता है। ये हमारा कूलेंट फिल्टर हुआ। इसके बाद हम आते हैं, ये एयर फिल्टर है, ये भी एक एयर फिल्टर है। अब अगर एयर फिल्टर हमारा कुछ खराब होता है, इसमें कोई दिक्कत आती है, तो ये यहाँ पर रेड कलर का इंडिकेशन देता है सर्विस लेवल इंडिकेटर में। अब हम इसके बाद इधर पे हम देखेंगे कि जो हमारी बैटरी है वो प्रॉपर 24 वोल्ट दे रही है या नहीं दे रही है। और बैटरी में हम इसका वाटर लेवल भी चेक करेंगे, इसका प्रॉपर वाटर है या नहीं है। फ्लोर का क्लीननेस देखेंगे, कहीं कोई फ्लोर पर ऑयल तो नहीं है या फिर कहीं कुछ डस्ट या फिर कोई मटेरियल तो नहीं है जिससे कि फायर का कोई चांस हो सकता है। इसको हमने ए चेक में डाला हुआ है। ये एयर फिल्टर हैं, इनको चेक करना है कि ये प्रॉपर डस्ट फ्री है या नहीं।